ऐसा नहीं बोलते। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे अपने बच्चे की तरह रखा था। अनजाने में मैं मारा गया। मेरी आत्मा हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगी। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, मैं तुम लोगों की मदद करता रहूंगा। और अचानक एक दिन सांप का भूत राजू को मारने के लिए आता है। राजू को अपनी पूंछ में लपेट कर हवा में उड़ जाता है। राजू मदद के लिए अपने दोस्त नेवले को याद करता है। सांप जैसे ही राजू को ऊपर ले जाकर पटकना चाहता है, नेवला वहां पहुंच जाता है और राजू को सांप के चंगुल से छुड़ा लेता है। सांप नेवले पर टूट पड़ता है। सांप नेवले को पकड़कर उसे पेड़ के पास ले जाता है जहां वो रहता था। अब तो मेरा जहर और भी तेज हो गया है। देखता हूं मेरे जहर से तुम लोगों को कैसे बचाते हो। इतना कहकर सांप गायब हो जाता है और बहुत से लोगों को काट कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लोगों को परेशान देखकर एक तांत्रिक बाबा आते हैं और कहते हैं, एक सांप भूत बन चुका है, वही लोगों को मार रहा है। बाबा।